नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण आप सभी का टॉप फाइव करंट अफेयर शो में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर बेहतर होंगे सुरक्षित होंगे दोस्तों टॉप फ़ाइव में आज हम देश और दुनिया की उन पांच बड़ी खबरों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की पाँच बड़ी खबरें कौन सी हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर और देखते हैं कि आज की पहली खबर क्या है अगर हम आज की पहली खबर की बात करें द द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और आर्टिकल क्या कह रहा है कर्नाटका डायरेक्टेड टू तो रिलीज कावेरी वाटर फॉर तमिलनाडु इमीडिएटली कर्नाटका को जो एक वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उसने एक निर्देश दिया है कि तुरंत वो क्या करें वाटर को रिलीज़ करें तमिलनाडु के लिए इस बात को याद रखिएगा रिवर कौन सी है क्योंकि रिवर कावेरी है इसलिए ये विवाद बहुत पुराना है कावेरी वाटर डिस्प्यूट बहुत पुराना है इसलिए ही इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और किसको निर्देश दिया गया है कर्नाटका को दिया गया है किस राज्य के लिए पानी छोड़ने के लिए तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के लिए तो चलिए देखते हैं कि ये न्यूज क्या है और ये क्या विवाद है क्यों इतना पुराना विवाद ये बार बार फिर निकल कर सामने आ जाता है तो अगर हम सबसे पहले इस पूरे विवाद की जड़ में जाएं तो हमारे लिए पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये चूंकि हमें पता है कि ये कावेरी नदी से रिलेटेड विवाद है तो हम सबसे पहले बेसिक सी जानकारी कावेरी Th uh -huh. रिवर के बारे में कलेक्ट कर लेते हैं जैसे अगर हम कावेरी रिवर की बात करें तो कावेरी रिवर अगर आप देखिए तो कावेरी रिवर वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट के कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है फिर बोल रहा हूँ कावेरी नदी वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट के कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है और इस नदी का जो क्षेत्र है वो चार राज्यों के अंतर्गत आता है वो चार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं तीन राज्य हैं कर्नाटक केरल तमिलनाडु और एक यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश है उस संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी का नाम है पौंडीचेरी तो बेसिकली ये चार के अंतर्गत आता है ये नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी जो कि पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है उससे निकलते हुए उसके बाद आप देखिए तो तमिलनाडु होते हुए कहाँ चली जाती है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में चली जाती है अब हम देखते हैं कि आखिर कावेरी नदी विवाद है क्या देखिए अगर हम कावेरी नदी विवाद के इतिहास में जाएं, तो हम देखेंगे कि उस विवाद की सबसे जड़ कहाँ पर मिलेगी तो हम देखेंगे कि वो विवाद जो है बेसिकली दो समझौतों के कारण आता है वो दो समझौते कौन से हैं एक तो है 1892 नाइन्टी टू अट्ठारह और 1924 में दो समझौते किए गए थे वो समझौते किसके बीच किए गए थे वो समझौते तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी जिसके अंतर्गत तमिलनाडु आता था उसके द्वारा साथ ही साथ मैसूर राज्य जहां पर अभी आप कर्नाटक देखते हो वहां पर मैसूर स्टेट था जिस आपने मैसूर का नाम भी सुना होगा टीपू सुल्तान और हैदर अली के संदर्भ में तो बेसिकली अठारह और उन्नीस में दो समझौते किए गए थे मद्रास प्रेजिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच अब ये समझौता क्या था इस समझौते में बेसिकली जिक्र ये था कि जब भी कभी अपर वैली यानी कर्नाटक क्योंकि ये नदी निकलती है कर्नाटक से तो कर्नाटक जब भी कभी यहाँ पर इस नदी के पानी को रोकने के लिए कोई डैम बनाएगा कोई रिजर्वायर बनाएगा कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो उसको निचली घाटी में स्थित राज्य से परामर्श करना जरूरी होगा उससे सलाह करना ज़रूरी होगा फिर बता रहा हूं ये जो 1892 और 1924 के दो एग्रीमेंट्स हैं कावेरी वाटर से रिलेटेड जो मद्रास प्रेसिडेंसी जिसके अंतर्गत तमिलनाडु आता था साथ ही साथ मैसूर स्टेट जहाँ पर आज कर्नाटक है इन दोनों के बीच हुए थे और इसमें प्रोविज़न क्या था कि जब भी कभी अपर वैली में कुछ होगा तो निचली वैली से परामर्श करना ज़रूरी है यानी कर्नाटक अगर कावेरी में कुछ करेगा तो निचली घाटी में उससे परामर्श करना ज़रूरी है तमिलनाडु से तो ये बेसिकली दो समझौते थे जो आज तक विवाद का कारण बने हुए हैं अब हम देखते हैं कि ये अभी क्यों विवाद आ जाता है अक्सर आप देखते हो तो अगर हम बात करें कि लगातार विवाद क्यों आ जाता है तो इसको समझने की बात करिए 1974 के आसपास क्या हुआ कि कर्नाटक ने जो दो समझौते हुए थे मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर स्टेट के बीच उनका उल्लंघन करना शुरू कर दिया उल्लंघन क्यों किया क्योंकि आपको पता है कि कर्नाटक अगर आप 1974 का टाइम देखो तो अर्बनाइजेशन अपने चरम पर था शहरीकरण अपने चरम पर था तो इसका मतलब है कि शहरीकरण का मतलब ये हो गया कि शहर बिना जल की आवश्यकता से पूरे हो ही नहीं सकते या जल की आपूर्ति से जरूरी है शहरों के लिए इसलिए कर्नाटक ने धीरे धीरे जो ये दो समझौते थे 1892 और 1924 के इनका उल्लंघन करना शुरू कर दिया अब इनके उल्लंघन से क्या नकारात्मक प्रभाव आया कि धीरे धीरे दोनों राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न होने लगा क्योंकि तमिलनाडु ने कहा कि आप हमारे जो पूर्व में दो समझौते किए गए थे एक अट्ठारह में और दूसरा 1924 में तो आप उनका उल्लंघन करें और सही बात भी थी कि अगर आप समझौते के आधार पर देखो तो आपको लगेगा कर्नाटक इनका उल्लंघन कर रहा है जो दो समझौते हुए थे एटीन और नाइनटीन में लेकिन अगर आप कर्नाटक का एक अर्बनाइजेशन का प्रोसेस देखो उनकी समस्या देखो तो लगता है सही है क्योंकि आपको पता है कि कर्नाटक में अर्बनाइजेशन हो रहा था और शहरीकरण के लिए जरूरी क्या है जल ज़रूरी है इसलिए दोनों जो राज्य थे इनके बीच लगातार विवाद बढ़ने लगा उसके बाद क्या हुआ जब विवाद बढ़ने लगा तो तमिलनाडु ने कहा केंद्र सरकार के से कि एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना दी जाए क्या कहा कि एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना दी जाए डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल यानी कावेरी ने कहा कि इस विवाद का सॉरी तमिलनाडु ने कहा कि कावेरी नदी जल विवाद का समाधान करने के लिए एक वाटर ट्रिब्यूनल बना देना चाहिए उस वाटर ट्रिब्यूनल का नाम क्या होगा उस वाटर ट्रिब्यूनल का नाम होगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल तो 1990 में इसका गठन किया गया कब किया गया 1990 में अब इस ट्रिब्यूनल का गठन किस लिए किया गया था ताकि ये जो नदी जल विवाद हो रहा था दो राज्यों के बीच में बेसिकली कई राज्य इसमें शामिल हैं जो बड़े राज्य हैं उसमें कर्नाटक और तमिलनाडु हैं इस विवाद का समाधान करना अब इन्होंने सिफारिश क्या दी इन्होंने कहा यानी इसी ट्रिब्यूनल ने कि जब भी कभी वर्षा कम हो या शुष्क अवधि आ जाए या आप समझ लो कि ऐसा समय आ जाए जिसमें वर्षा ना हो या किसी वर्ष वर्षा कम हो तो जो जल का विभाजन है वो आनुपातिक आधार पर होना चाहिए यानी आनुपातिक आधार पर केरल पुडुचेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जल का विभाजन होना चाहिए बंटवारा होना चाहिए और सरकार से कहा कि आप इस संदर्भ में एक नोटिफिकेशन जारी करो तो इनका इनका गठन किया गया था 1990 में और इनका डिसीज़न आया 2007 में और सरकार से कहा गया कि आप यानी जो इस ट्रिब्यूनल ने सिफ़ारिश की थी इसने निर्णय क्या दिया इसने निर्णय दिया कि जल का विभाजन आनुपातिक आधार पर हो आनुपातिक आधार का मतलब ये हुआ कि बेसिकली अगर आप देखो तो तमिलनाडु में किसानी ज़्यादा होती है कर्नाटक की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर एग्रीकल्चर होती है लेकिन तमिलनाडु से कम होती है इसके कई भौगोलिक कारण भी हैं जैसे वहाँ पर चट्टानी संरचना का जाया ज़्यादा पाया जाना तो एक प्रकार का इन्होंने फॉर्मूला सुझाया किसने डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने और इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करे तो गवर्नमेंट ने छः साल बाद दो में एक नोटिफिकेशन जारी किया अब ये नोटिफिकेशन ये सिलसिला चल रहा था विवाद का यहां तक उम्मीद है आप लोग समझ पाओगे इस विवाद का सिलसिला चल रहा था वाटर ट्रिब्यूनल का भी गठन हो गया वाटर ट्रिब्यूनल ने क्या किया अपना डिसीजन दिया कि आनुपातिक आधार पर जल का विभाजन किया जाए सरकार से कहा कि आप एक नोटिफिकेशन जारी करो अब ये विवाद रुका नहीं उस नोटिफिकेशन के बाद भी और लगातार बढ़ता हुआ पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के पास जब विवाद पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला जो डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला डिसीजन दिया उसमें कर्नाटक से कहा कि आप तमिलनाडु के लिए कुछ एक्स्ट्रा पानी रिलीज करिए यानी बेसिकली जो मुझे याद आ रहा है बारह हजार क्यूसेक पानी कहा गया जो जल के बड़े पैमाने पर जल के मापन की एक इकाई है कहा गया कि आप बारह हजार क्यूसेक पानी रिलीज़ करिए क्योंकि कर्नाटक पानी रोक रहा था और इससे तमिलनाडु के किसानों को समस्या हो रही थी तो कहा गया कि आप पानी को रिलीज करिए जैसे ही ये डिसीजन आया तो कर्नाटक में व्यापक तौर पर हिंसा होने लगी विरोध होने लगा तमिलनाडु में भी हिंसा होने लगी विरोध होने लगी तो अंततः जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट या अंतिम निर्णय दिया था उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा उसमें निर्णय यह किया गया कि जो एक्स्ट्रा पानी कर्नाटक से कहा था रिलीज करने के लिए वो कम कर दिया गया मतलब रोक दिया गया कि वो नहीं रिलीज करना है साथ ही साथ तमिलनाडु का जो उस सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल ने पहले सुझाया था आप ये समझ लो तमिलनाडु का जो हिस्सा तमिलनाडु को मिला था उसको थोड़ा सा काट दिया गया तो बेसिकली ये इसलिए हुआ था क्योंकि कर्नाटक के जो तत्कालीन सरकार थी उसने अपना पक्ष रखा और उसने कहा कि कर्नाटक में अगर आप देखो तो कर्नाटक की समस्या ये है कि कर्नाटक में बेंगलोर जैसा एक मल, आप बहुत बड़ा शहर है आपको पता है कि वो बहुत बड़ी सिटी है बेंगलोर और एक इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं बेंगलोर में वहाँ का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है एक इंटरनेशनल सिटी बनकर बन चुका है बेंगलोर अगर वहाँ पर हम पानी की सप्लाई नहीं देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ पर पानी की सप्लाई हम नहीं देंगे तो वहाँ पर फिर लोग रुकेंगे क्यों जो भी विदेश से कंपनी आती हैं बेंगलोर में निवेश करती हैं तो ज़रूरी है कि आप वाटर सप्लाई करो अगर आप उनको बेसिक जो वाटर सप्लाई है वही नहीं कर पाओगे तो कंपनी क्यों रुकोंगी तो सुप्रीम कोर्ट को यह तर्क वाजिब लगा साथ ही साथ कर्नाटक ने कहा कि तमिलनाडु की अगर आप बात करो तो आप देखो तमिलनाडु में कुछ आपको लैंड भी दिखेगा इतना पहाड़ी क्षेत्र नहीं है जितना कर्नाटक का है तो कर्नाटक ने एक पक्ष यह भी रखा कि तमिलनाडु के पास तो ग्राउंड वाटर भी ठीक ठाक है तो उनसे है कि वो अपना ग्राउंड वाटर निकाले तो सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के जो प्रमुख मुद्दे थे उन पर जब विचार किया तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि शायद कर्नाटक का पक्ष थोड़ा ठीक है पहली चीज यह है कि बेंगलोर को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है इसलिए जो एक्स्ट्रा पानी कर्नाटक से कहा गया था कि तमिलनाडु के लिए छोड़ दे वो रोक दिया गया साथ ही साथ तमिलनाडु के हिस्से में थोड़ी सी कटौती कर दी हल्की फुल्की से तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा यद्यपि तमिलनाडु के किसानों को इससे काफी समस्या हुई उसके बाद क्या हुआ कि इसी जो डिसीजन था इसमें एक बात और कही गई थी कि एक मैनेजमेंट स्कीम लानी चाहिए यानी केंद्र सरकार उसके बाद एक मैनेजमेंट कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम लेकर आई जिसके माध्यम से जो जल वितरण की व्यवस्था की गई उसको और अधिक मजबूत बनाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो एक स्कीम लेकर आई और उस स्कीम का नाम क्या था उस स्कीम का नाम था कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम तो ये हमने पूरा जो खबर थी केंद्र सरकार 2018 में स्कीम लेकर आई थी और पूरे डिस्प्यूट को हमने अच्छे से समझ लिया है उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि ये पूरा डिस्प्यूट है क्या अतिशा तिवारी गुड मॉर्निंग भाई तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पहले वो सुन लीजिए पहली बात तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी की दृष्टि से बनता है ज्योग्राफी की दृष्टि से कैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कावेरी नदी का ओरिजिन कहाँ से है तो ब्रह्मगिरी याद रखिएगा पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी का उद्गम होता है और इसका अगर आप देखो कैचमेंट एरिया देखो जल भराव क्षेत्र देखने का प्रयास करो तो ये चार तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और उसके बाद राज्यों की बात कर लो तो कर्नाटक केरल तमिलनाडु तो तीन राज्य हैं कर्नाटक केरल तमिलनाडु और एक यूनियन टेरिटरी है उसका नाम है पुडुचेरी, ठीक है तो ये याद रखिएगा उसके बाद एक ये बात भी याद रखिएगा कि इसको कावेरी को गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा तो उम्मीद है आप लोग समझ होंगे कि ये पूरा डिस्प्यूट है क्या ये बेसिकली जल के विभाजन से रिलेटेड एक विवाद है जो अट बहुत पहले से चला आ रहा है अगर आप देखोगे समझौते हुए थे ब्रिटिश काल में 1892 और 1924 में और अक्सर ऐसा होता था कि इन नदी जल विभाजन के लिए दोनों राज्यों में मतभेद हो जाता था और अंग्रेजों को मध्यस्थता करनी पड़ती थी तो आज भी ये विवाद चला आ रहा है तो चलिए पहली न्यूज़ हमने विस्तार से पढ़ ली अब हम दूसरा देखेंगे दूसरी न्यूज़ हम देखने का प्रयास करते हैं कि दूसरी न्यूज़ क्या है देखिए दूसरी न्यूज क्या है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है अमेज़ॉन्स एस्ट्रो रोबोट ऑन व्हील्स हैज आपको सबको रोबोट है? है, लॉन्च किया है जो पर चलेगा अब उसको लेकर कुछ प्राइवेसी से संबंधित मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो हम इसको विस्तार से समझेंगे और प्रमुख मुद्दे क्या हैं देखिए सबसे पहले यह जान लीजिए कि क्वेश्चन सबसे पहले क्या बन सकता है एस्ट्रो रोबोट को लॉन्च किसने किया है तो एमेजोन ने तो इस चीज को याद रखिएगा अब हम समझते हैं कि पूरा मामला क्या है देखिए ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसी को नाम दिया गया है एस्ट्रो रोबोट ठीक है ना यानी ये रोबोटिक्स के अंतर्गत एक डेवलपमेंट है तो हम थोड़ा सा बेसिक की बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें कि रोबोटिक्स क्या होता है तो रोबोटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है रोबोटिक्स जिस प्रकार इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांच होती हैं वैसे ही इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है रोबोटिक्स जिसके अंतर्गत हम रोबोट की डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग इन सब का अध्ययन करते हैं फिर से बोल रहा हूँ रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम रोबोट का निर्माण कैसे होगा किस प्रकार की डिज़ाइन होगी इसका अध्ययन करते हैं दूसरी चीज़ बात आती है रोबोट क्या होता है तो रोबोट एक प्रकार की मशीन होती है जो ह्यूमन एफर्ट्स को कम करती है फिर बोल रहा हूँ रोबोट एक प्रकार की मशीन होती है जो मानव कार्यों में सहयोग करती है और मानव के कार्यों को मानव के हस्तक्षेप को कम करती है जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ अक्सर आपको पता है कि जो रोड पर टैंक होते हैं जो जमीन के अंदर गटर टैंक होते हैं उसमें ह्यूमन को उतरना पड़ता है जो कि बहुत ही गलत है क्योंकि वो बहुत ही गंदे होते हैं कई प्रकार की वहाँ पर हानिकारक गैसेस रिलीज होती हैं तो अक्सर आप देखते हो पेपर में आता है कि टैंक साफ़ करने के लिए उतरे और किसी गैस से विशैली गैस से उनकी मृत्यु हो गई तो यहाँ पर अगर देखा आपने कि दुनिया के कई देशों में आजकल हम देखते हैं कि इस प्रकार के काम रोबोट से करवाया जाता है यानी ऐसी मशीन से करवाया जाता है जिससे ह्यूमन एफर्ट कम हो जाता है तो ये हो गया रोबोट अब हम बात करेंगे कि एस्ट्रो रोबोट क्या है और इसका क्या महत्व है और कुछ लोग इसका क्यों विरोध कर रहे हैं बेसिकली ये एक प्रकार का एस्ट्रो रोबोट जिसको अमेजोन ने डेवलप किया है और शीघ्र ही इसको कस्टमर्स के लिए उतारा जाएगा लोग इसको खरीद सकते हैं देखिए है क्या ये एक प्रकार की होम सिक्योरिटी डिवाइस है यानी ये पहिए पर चलती इसमें पहिए लगे हुए हैं और ये होम सिक्योरिटी डिवाइस है ये पूरे घर में घूमती रहेगी इससे फ़ायदा क्या होगा इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए आपके घर में कोई पेट है कुत्ता है तो ये आपकी अनुपस्थिति में उस पर भी नज़र रखेगी साथ ही साथ आपके घर का एक एक जानकारी अगर आप घर पर नहीं हो अनुपस्थित हो घर पर तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी यानी बेसिकली ये क्या करेगा ये पहले डाटा कलेक्ट करेगा फिर उस डाटा की प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग के दौरान अगर उसको कुछ आपत्तिजनक कुछ उसका असेसमेंट होता है तो तुरंत आपको एक अलार्म भेज देगा तो इससे घर की सिक्योरिटी होती रहेगी 24 इंटू सात ये काम कर सकता है यानी हफ्ते के सातों दिन लगातार 24 घंटे प्रत्येक दिन में काम कर सकता है अब इससे फायदा क्या है इसमें एक कैमरा लगा होता है तो यह आपको लाइव वीडियोस भी सेंड कर सकता है घर की साथ ही साथ इसमें म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो खैर वो तो सारी सेकेंडरी चीजें हैं बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सिक्योरिटी होम सिक्योरिटी पर फोकस करना जब आप घर पर नहीं हो मान लिया आपके घर पर कोई छोटा बच्चा है या आप कह लो कोई पेट है तो उसकी अगर आपको सिक्योरिटी अपनी अनुपस्थिति में चेक करनी है तो उसके लिए ये है एस्ट्रो रोबोट इसको एस्ट्रो रोबोट का नाम दिया गया है अब ये समस्या क्या है कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं देखिए अगर आप देखो इसके कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस ये है कि ये एक प्रकार की सिक्योरिटी डिवाइस है या एक सिक्योरिटी रोबोट है आपके घर की सुरक्षा आपकी अनुपस्थिति में करेगा और अगर कोई वो एक्सटर्नल कोई कोई बाय हस्तक्षेप देखेगा आपके घर में तो तुरंत आपको अलर्ट भेजकर सावधान करेगा ताकि आप उचित डिसीजन ले सको निगेटिव क्या है निगेटिव ये है कि इसके माध्यम से सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये चौबीस इंटू नज़र रखेगा तो सर्विलांस सिस्टम की तरह काम करता है यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन करता है यानी आपको पता है कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें तो आर्टिकल ट्वेंटी में राइट टू प्राइवेसी का जिक्र किया गया है तो आर्टिकल ट्वेंटी में जिस राइट टू प्राइवेसी की बात हम कर रहे हैं उसको 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी केस में यह कहा था कि राइट टू प्राइवेसी एक प्रकार का फंडामेंटल राइट right है मूल अधिकार है और मूल अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए या व्यक्ति के विकास के लिए सबसे जरूरी होते हैं तो राइट टू प्राइवेसी बहुत जरूरी है अब यहां पर क्या होता है कि जब ये इस प्रकार से घर में घूमता है सारा डाटा कलेक्ट करता है तो ये आपकी प्राइवेसी आपके निजता का उल्लंघन करता है तो प्लस और माइनस दोनों हैं तो उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे अमन गुड मॉर्निंग भाई तो ये हमारी दूसरी न्यूज रही और न्यूज क्या थी एस्ट्रो रोबोट जिसको हाल ही में अमेजोन ने लॉन्च किया है बहुत जल्दी ये अमेजोन अपने कस्टमर के लिए अमेरिका में रिलीज करेगा और जैसे अमेरिका में रिलीज होगा तो धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों में भी इसका प्रसार होगा तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे अब हम चलेंगे आज की तीसरी खबर पर अब तीसरी खबर क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है खबर क्या है तीसरी पीएम मोदी लॉन्चेस जल जीवन मिशन है देखिए मैंने आपसे कहा था कि 15 अगस्त को मोदी जी ने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया है लाल किले से और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्रधानमंत्री 26 जनवरी या 15 अगस्त को जो लाल किले से बोलता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि वो एकदम करंट में आ जाता है अगर प्रधानमंत्री जी ने स्कीम्स का नाम लिया है तो इसका मतलब है अगले दिन में वो न्यूज़पेपर्स में आएंगी और अगर कोई करंट न्यूज़पेपर में आ गई तो इसका मतलब है कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है तो हम वो भी डिस्कस करेंगे साथ ही साथ आज एक अलग से स्कीम आ गई है क्यों क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने दो अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन एक एप लॉन्च किया है आप देखिए द बिजनेस बिजनेस लाइन का आर्टिकल है पीएम मोदी लॉन्चेस जल जीवन मिशन ऐप ठीक है ना इस ऐप को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पहले जान ले कि जल जीवन मिशन क्या था और कब लॉन्च किया गया था उसके बाद जब हम ऐप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे तो एक प्रकार की स्कीम यही है तो इसी को समझ लेते हैं आज की स्कीम का मैंने कहा था कि मैं एक एक स्कीम रोज कवर करता रहूंगा क्योंकि इस स्कीम से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे उज्ज्वला हमने कवर कर लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कवर कर लिए ऐसी कई स्कीमों को हम कवर कर चुके हैं तो अब चलिए समझते हैं कि ये स्कीम है क्या तो अगर हम बात करें तो आपको पता है कि 2019 में भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया और उस मिशन का नाम था जल जीवन मिशन उस मिशन को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था याद रखिएगा जल शक्ति मंत्रालय यानी जल शक्ति मंत्रालय अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो जे एस एम तो जे एस एम द्वारा लॉन्च किया गया था पहली चीज है अब ये है क्या ये जो जल जीवन मिशन 2019 शुरू किया गया था इसके माध्यम से उस उद्देश्य क्या था कि गांव के प्रत्येक रूरल हाउस होल्ड में यानी गांव के प्रत्येक घर में पचपन लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी सुनिश्चित किया जाए या नलकूप या टैब के माध्यम से पहुंचाया जाए फिर से बोल रहा हूँ इसका मुख्य उद्देश्य या स्कीम क्या थी ये समझिए ये मिशन ये था कि गांव के प्रत्येक घर में एवरी रूरल हाउस होल्ड्स को कै कितना पानी पहुँचाना था पानी पहुँचाना था पचपन लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन याद रखेगा प्रति ईयर मत कर दीजिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को गांव में कितना पानी पहुंचाना था पचपन लीटर प्रतिदिन प्रति, प्रति व्यक्ति इतना पानी पहुंचाना था यही इसका मुख्य उद्देश्य था यानी इसके माध्यम से अगर आप देखो तो ऐसे टैप वाटर पहुंचाना था गांव में नल के माध्यम से पानी पहुंचाना था अब इसका उद्देश्य क्या था इस स्कीम का या इस मिशन का इस मिशन का उद्देश्य यही था कि जल के संरक्षण के लिए या जल के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रकार का जन आंदोलन शुरू कर देना ताकि लोगों में जल से संबंधित बहुत सारी जागरूकताएं आ जाए लोग उनका संरक्षण करें क्योंकि जल एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है अब हम देखते हैं कि जल जीवन मिशन 2019 की कुछ विशेषताएं या फीचर्स क्या हैं तो अगर हम सबसे पहले बात करें इस मिशन की जो मोदी जी ने लॉन्च किया था तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो जल की डिमांड और सप्लाई है यानी जल कितनी डिमांड आ रही है गांव से कितनी सप्लाई करनी चाहिए इसका निर्धारण लोकल लेवल पर होगा यानी स्थानीय स्तर पर होगा ऐसा नहीं है कि राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर इस बात का निर्धारण हो कि जल की कितनी मांग है और कितनी सप्लाई की जाए इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर लोकल लेवल पर ही किया जाएगा कि डिमांड क्या है और सप्लाई कितनी होनी चाहिए साथ ही साथ इसमें कहा गया था इसकी मुख्य विशेषताओं में कि लोकल लेवल पर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो आपका पता है कि बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है कि बारिश में इसको बोला जाता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कि जो पानी गिरा है वो बह ना जाए कहीं पर वो जमीन के द्वारा सोख लिया जाए इसी को बोलते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रोविजन किया गया था कि जल का जो वर्षा जल होता है उसका संचयन किया जाए किसी भी प्रकार से तालाब बनाकर या कुछ अन्य सोर्स बनाकर तो इस प्रकार की जो स्थानीय स्तर पर या लोकल लेवल पर इसी को बोला जाता है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मुख्य उद्देश्य यही था अंतिम मुख्य उद्देश्य यही है कि जल की अधिक से अधिक आपूर्ति तीसरी इंपॉर्टेंट ची, चीज़ क्या थी कि इसमें कम्युनिटी अप्रोच को बल दिया गया था इसमें इस बात पर बल दिया गया था कि जल संरक्षण के लिए कम्युनिटी को शामिल किया जाए ऐसा ना हो कि किसी प्रकार से जो संरक्षण का प्रोग्राम है उसमें कोई अलग भाग रहा है कोई अलग पूरी कम्युनिटी का सहयोग लेकर जल जीवन मिशन के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया जाए आप अगर देखेंगे तो बात आती है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन या इसको लागू कैसे किया जाएगा तो इसको लागू बेसिकली पानी समितियों के माध्यम से किया जाता है ये जो पानी समितियां हैं याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये ठीक है ये पानी समितियां करती क्या है ये विलेज के लिए एक, एक एक्शन प्लान तैयार करती हैं विलेज में जल कैसा जा रहा है कैसी आपूर्ति होनी चाहिए गांव के स्तर पर तो गांव के स्तर पर जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन है जल आपका पानी समितियां या जल समितियां ये क्या करती हैं ये गांव के स्तर पर जो सरकार का जल जीवन मिशन है इसको लागू करती हैं जमीन पर उतारती हैं इसमें बेसिकली 10 से 15 मेंबर तक होते हैं जिसमें से ये कहा गया है इसके अंतर्गत कि 10-15 मेंबर्स में 50% परसेंट यानी इसमें पानी समिति में मैक्सिमम कितने सदस्य होंगे 10 से 15 जिसमें से 50% परसेंट वूमेन्स का होना जरूरी है महिलाओं का होना जरूरी है तो ये इसमें कहा गया है तो पानी समितियाँ क्या है पानी समितियाँ और कुछ नहीं है पानी समितियाँ बेसिकली जो जल जीवन मिशन है इसको जमीनी स्तर पर लागू करने वाली समितियां हैं दूसरी बात आती है फंडिंग की तो सामान्य राज्यों की बात करें तो वहां पर जो फंडिंग होगी वो नाइन्टी टेन के अंदर मतलब सामान्य राज्यों में फिफ्टी फिफ्टी यानी जैसे उत्तर प्रदेश बिहार की बात हम करें तो यहाँ पर इस मिशन को लागू करने के लिए 50 परसेंट जो खर्चा आएगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 50 परसेंट राज्य सरकार अगर हम विशेष राज्य की बात करें ऐसे राज्य जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तो उनकी बात करें तो वहां पर नाइन्टी टेन का रेशियो यानी 90 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10 परसेंट विशेष राज्य वाले देंगे जैसे अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड इस प्रकार के राज्य अगर हम यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में हंड्रेड परसेंट फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी तो यह रहा हमने पढ़ लिया जल जीवन मिशन तो एक इसी से इसी ऐप के बहाने से हमारी कवर हो गई है जल जीवन मिशन अब हम देखेंगे कि अभी जो ऐप लॉन्च किया है मोदी जी ने तो इसको देखते हैं कि इस ऐप का महत्व मतलब क्या महत्व है क्यों लॉन्च किया गया देखिए इस ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हो अगर आप जल जीवन ऐप पर जाओगे तो किसी गांव से संबंधित जो जल की जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हो जल की जानकारी का मतलब कि उस गांव में जल की सप्लाई क्या है जो पानी मिल रहा है ऐसा तो नहीं है कि वो प्रदूषित है किस प्रकार का पानी मिल रहा है तो जो जल से संबंधित या जल की सप्लाई से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको जानकारी जा, प्राप्त करनी हो तो आप अपने फोन पर जाकर जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च डाउनलोड करिए और उसके माध्यम से जल से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए तो उम्मीद है इस न्यूज को आप लोग समझ पाएंगे अब हम चलेंगे आज की चौथी खबर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आप देख रहे हैं एएनआई की न्यूज है और वित्त मंत्रालय का आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स लॉन्चेस प्रोग्राम इन सेशल्स सेसल्स आपको पता है कि एक आइलैंड कंट्री है द्वीपी देश है वहां पर कह रहा है कि टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है सेसल्स में विथ इंडिया पार्टनरशिप तो ये जो लाइन है कि भारत की पार्टनरशिप के साथ ये प्रोग्राम लॉन्च किया है यहीं पर ये बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट तो चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है और टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर यानी अगर टी आई डब्ल्यू बी इसको पढ़ें तो ज्यादा उचित रहेगा बार बार पूरा नाम नहीं लेना पड़ेगा टी आईडब्ल्यू भी क्या है हम विस्तार से समझेंगे और भारत को इसमें इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है ये भी समझेंगे देखिए टैक्स इंस्पेक्टर्स विधाउट बॉर्डर्स की अगर हम बात करें सबसे पहले आप देख लीजिए सेशल्स नामक जो द्वीपीय कंट्री या आइलैंड कंट्री है ये कहां पर है ये इंडियन ओशियन में स्थित है बहुत ही छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर ये सेसल्स देश बना है ये देखिए सेसल्स अब है क्या तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है देखिए टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर की शुरुआत 2015 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2015 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी ओ ने किया था यानी दो संस्थाओं ने किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलप डेवलपमेंट ने दो हज़ार पंद्रह में इसको लॉन्च किया था इसको शुरू किया था टैक्स इंस्पेक्टर विथाउट बॉर्डर्स पहली चीज़ तो ये हो गई अब ये क्या है ये बेसिकली है क्या ये टैक्स इंस्पेक्टर्स विथाउट बॉर्डर्स क्या है ये जो आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्री हैं या विकासशील देश हैं जैसे एशिया के बहुत सारे गरीब विकासशील देश दिखेंगे ऐसे ही आपको अफ्रीका के बहुत सारे गरीब और विकासशील देश दिखेंगे ऐसे लैटिन अमेरिका के बहुत सारे गरीब और विकास देश दिखेंगे तो ये जो संस्था है टैक्स इंस्पेक्टर्स विथाउट बॉर्डर्स तो ये क्या होता है कि ये वहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर उनका जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो जैसे भारत है या अमेरिका है यहाँ पर जो टैक्स सिस्टम है जो टैक्स प्रशासन है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छे ढंग से स्थापित हो चुका है बहुत अच्छे ढंग से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बहुत अच्छे ढंग से सारी व्यवस्था टैक्स की चल रही है लेकिन जो अल्प विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं वहाँ पर टैक्स का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं होता है तो वहां पर क्या होता है जो क्रिमिनल होते हैं वो टैक्स से बच जाते हैं बहुत सारे समस्याएँ आती हैं तो ये जो आपका दिखता है टी आई डब्ल्यू पी ये बेसिकली वहां पर टैक्स से रिलेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग करता है ये एक्सपर्ट भेजता है वो एक्सपर्ट जाते हैं और उन डेवलपिंग कंट्रीज को विकासशील देशों को समझाते हैं उनके यहाँ वहाँ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं कि किस प्रकार का आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन लागू करिए कैसे आप अपने देश की जो कर व्यवस्था है उसको बेहतर ढंग से लागू कर सकते हो ताकि आपके देश को अधिक से अधिक फायदा हो लोग टैक्स की चोरी कम करें और क्रिमिनल किसी प्रकार के गलत प्रोसीजर से टैक्स से बच ना सके तो यही बेसिकली टैक्स अगर आप बात करो टैक्स इंस्पेक्टर विथाउट बॉर्डर का काम है अब बात क्या हुई है कि अभी इसको किसके लिए लॉन्च किया गया सेस के लिए सेस के लिए लॉन्च किया गया और यहाँ पर इंडिया को इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि अगर आप न्यूज़ देखो तो इंडिया की अगर हम बात करें इस न्यूज को आप देखिए तो इंडिया को टैक्स आप देखो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर लॉन्च किया गया है घोषित किया गया है इसका मतलब क्या हुआ देखिए टैक्स इंस्पेक्टर विथआउट बॉर्डर प्रोग्राम किसका है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है अभी इन्होंने सेशल्स में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको करने का क्षमता निर्माण करने का निर्णय लिया है अब उस निर्णय में इन्होंने सेसल्स के लिए भारत को टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर घोषित कर दिया है यानी भारत के जो अब टैक्स एक्सपर्ट हैं भारत में जो कर से संबंधित जो एक्सपर्ट हैं वो जाएंगे सेसल्स में सेसल्स में जो वहाँ की जो सरकार है उसके साथ मिलकर वहाँ के अधिकारियों को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी देंगे उनको सिखाएंगे कि अच्छा कर प्रशासन कैसे चलाया जाता है ताकि अधिक से अधिक कर की प्राप्ति हो और जनता पर बहुत ज्यादा दबाव भी ना पड़े क्रिमिनल किसी भी प्रकार के गलत प्रोसीजर से टैक्स से बचना सा जा सके तो यह भारत के लिए अच्छी खबर है क्योंकि TIWP ने भारत को चुना है तो इसका मतलब क्या है कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधरेगी तो ये बेसिकली एक प्रकार का टैक्स से रिलेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जिसको अभी यू एन ने सेसल्स में लॉन्च किया है और भारत को एडमिनिस्ट्रेशन घोषित किया है भारत यहाँ पर जाएगा और भारत के अधिकारी यहाँ पर जाएंगे और टैक्स जो सेसल्स के ऑफिशल्स हैं उनको सिखाएंगे कि अच्छा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है तो उम्मीद है इस न्यूज़ को आप समझ पाए होंगे कि इस न्यूज़ का आशय क्या है और इसका मतलब क्या है अब हम चलेंगे दोस्तों आज की आखिरी खबर पर और देखेंगे कि आज की आखिरी खबर है क्या एक मिनट रुक जाइए मैं पानी पी लेता हूं अब यहां पर एक चीज बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां की अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि टैक्स इंस्पेक्टर विथआउट बॉर्डर को किसका ये प्रोग्राम है तो याद रखिए यू और ओ 2015 में लॉन्च किया गया था दूसरी चीज़ कि हाल ही में सेसल्स में किसको टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर घोषित किया गया है तो भारत का इस बात को याद रखिएगा कि हाल ही में सेसल्स में भारत को टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर घोषित किया गया है तो ये हमारी चौथी न्यूज़ रही अब हम चलेंगे आज की अंतिम खबर पर देखिए अब द हिंदू का आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है तो चलिए देखते हैं ये क्या है कह रहा है कि आई यानी इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च ड्रोन बेस्ड ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल लॉन्च यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी है इसको लॉन्च कर दिया गया है चलिए समझते हैं पूरा है क्या मामला देखिए ये आपको ड्रोन दिख रहा है सबसे पहले ये जान लीजिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसको अभी ड्रोन को लॉन्च किसने किया यानी इस ड्रोन्स के माध्यम से भारत के कुछ क्षेत्रों में अगर आप देखो तो वहां पर वैक्सीन और साथ ही साथ मेडिसिन पहुंचाई जाएगी ठीक है जैसे अंडमान एवं द्वीप समूह जैसे मणिपुर इस प्रकार के कुछ क्षेत्र हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ड्रोन होता क्या है तो ड्रोन अगर हम बात करें ड्रोन क्या होता है तो ड्रोन एक प्रकार का अनमैंड एरियल व्हीकल होता है या इसी को बोलते हैं अनमैंड एयरक्राफ्ट यानी ऐसा कोई एयरक्राफ्ट जिसमें कोई भी व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं होता कोई व्यक्ति नहीं बैठता कोई इंसान नहीं बैठा होता है उसी को बोलते हैं अनमैंड एयरक्राफ्ट तो ड्रोन क्या है अनमैंड एयरक्राफ्ट है पहली चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि अभी इसको इसको डेवलप करने में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का विशेष योगदान रहा है हाल ही में भारत के जो मिनिस्टर हैं यानी हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है तो याद रखेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है अब ये है क्या देखिए इसका मतलब क्या होता है ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन डिलीवरी या ड्रग डिलीवरी का मतलब क्या होता है देखिए आपको पता है कि भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आसानी से किसी प्रकार की सप्लाई नहीं की जा सकती जैसे है जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए हिमालयन जितने भी स्टेट है वहां पर इसी तरह अंडमान निकोबार आइलैंड में इसी तरह जो आपके नॉर्थ ईस्ट में स्टेट मिलते हैं जैसे हो गया आपका सिक्किम हो गया मणिपुर हो गया तो बेसिकली अभी दो तीन राज्यों को यानी दो राज्यों को और एक यूनियन टेरिटरी को फोकस करते हुए ये लॉन्च किया गया है इसके माध्यम से क्या होगा इसके माध्यम से मेडिसिन पहुंचाई जाएगी वैक्सीन पहुंचाई जाएगी साथ ही साथ अगर ब्लड सैंपल लेना है तो ड्रोन के माध्यम से वो भी सारी व्यवस्थाएँ की जाएंगी तो ये बेसिकली इसीलिए लॉन्च किया गया है याद रखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का इसमें विशेष योगदान है दूसरी बात क्या याद रखनी है कि इसका महत्व तो क्या है भारत के मेडिकल सेक्टर में तो मेडिकल सेक्टर में इसका सबसे बड़ा महत्व तो यह है कि अगर कोविड नाइन्टीन की थर्ड वेव आती है तो हम इसके माध्यम से आसानी से जो वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाकर उसको नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं दूसरा क्या है कि जो नॉर्मल मेडिसिन भी हैं अगर हमको उनको सुदूर क्षेत्रों में भेजना है तो हम इसके माध्यम से उनको भेज सकते हैं तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंस है इसका इसका ड्रोन सिस्टम का क्या है कि अगर आपको किसी दुरू क्षेत्र से या सुदूर क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र से ब्लड सैंपल्स चाहिए तो उसमें भी आप ड्रोन का प्रयोग करके ब्लड सैंपल्स लेकर किसी खास बीमारी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो ये भविष्य का सिस्टम भी है भारत में भी तेजी से प्रयोग हो रहा और यही आज की न्यूज़ थी तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे कि ये था क्या न्यूज़ और क्यों हम इसको बात कर रहे थे इस पर तो ये रही आज हमारा आज का प्रोग्राम उम्मीद है कि आप लोगों को पाँच की पाँच खबरें समझ में आ गई होंगी कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का ख्याल रखिए